हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है मेरी बहन का बर्थडे। आज है इसकी बहन का बर्थडे। सो आज है दिव्यांशी का बर्थडे, मेरे ब्रदर की बेटी का। तो हम लोग रेडी होके बस वहीं जा रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, वहाँ जाके पता नहीं आवाज आए या ना आए। तो आज वो लोग छोटा सा एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हम लोग बस छोटा सा ग्रैंड छोटा सा यू नो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की बस पार्टी है और वो भी स्कूल के बच्चों को उन्होंने बुलाया है, तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो आप तो फिर फैमिली हो ना इस करके, ठीक है। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस वो लोग आने वाले हैं हमें लेने के लिए, तो फटाफट निकलते हैं। छोटा मोटा एक दो काम रह गए, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। शूज पहन ले, और आज तो बारिश, इतनी बारिश हो रही है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं रही है। फिर 5 मिनट बाद सुबह से, ठीक है, बिल्कुल। तो फटाफट हम लोग निकलते हैं, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी बारिश हो ही जा रही है, सुबह से मैंने आपको बताया। और अभी हम लोगों ने नीचे जाना है, मुझे वो भी लग रहा है हम कैसे जाएंगे। और जहाँ इन्होंने आना है नीचे कार वगैरह लेके, तो यहाँ तो यू नो अभी भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। हैप्पी बर्थडे बच्चू, मच्छू तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। जेना दिव्यांशी, कहाँ जा रहे तू? चीनी टाउन। क्या करने जा रहे हैं? पार्टी करने। ओ देखो, एक इसको देख लो जरा, एक ही कौन है? गंदी बच्ची। ये कौन है? कैसे कैसे? फिर से फिर से। मारा कैसे? अभी थोड़ा वो भी कर दो जो ऑफ कैमरा कर रहे थे। पापा ने मेरे को समय बताया। कर दे एक बार फिर से। फिर बुआ पारी। कोई नहीं, बुआ पारी। हेलो मामू को बोल नीचे भेज दो। हेलो मामू, फूल वाले में भेज दो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पंजाबी बाग, तिनी टाउन्स करके यहाँ पे है, तो प्ले जोन। तो चलो चलते हैं। क्या दादी वो हेलो कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे कर रहे बर्थडे पे। टैटू बनवाने भी लग गया है, पहले सबके साथ फोटोज तो खिंचवा ले। ये आपने बोले बनाने को कि वो खुद बना रहे हैं? अच्छा तूने बोले, क्या है ये बॉल है? स्पाइडरमैन है। अरे वाह। सो गाइस मैं यहाँ पे खाना आ गया, और यहाँ पे पहले कुछ खा लो। ओ वाह, ये इन्होंने बना के दिए? फिर खेलो। बहुत अच्छा लग रहा है ना ये। चलो यहाँ पे पहले आप खाना खा लो थोड़ा सा। हाँ। बैठो बैठो, खा लो पहले। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी यम्मी यम्मी डिशेज हैं। ये सब भी रिपीट कर देना एक बार यहाँ पर ना। सबसे पहले उन्होंने सर्व करे बहुत ही यमी यमी ये स्नैक्स, जिसमें आप देख सकते हैं मिनी बर्गर, स्प्रिंग रोल, पिज्जा, गार्लिक ब्रेड और भी पनीर टिक्का था। हमारा यमी है, यमी है, टेस्टी टेस्टी ना, है ना? यहाँ अच्छा लगा, मजा आया। क्या चीज सबसे अच्छी लगी देखो? मैंने अभी तो मैंने दो ही चीज टेस्ट की है, बताऊंगा। क्या खाया तूने? मैंने भी फ्रेडी का खाया और रेस्टी। वाओ, चलो खाओ, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मिनी बर्गर्स इतने क्यूट है ना ये। चलो चलो चलो, हम भी देख के आते हैं कैसा कैसा है। इसके अंदर कैसे दिखेगा मुझे? मैं तो ना जा सकती हूँ अंदर। अयान इसके पीछे से, अयान इसके पीछे। इसके नीचे चेयर रख सकते हैं, कोई स्टूल है? बड़ा पीछे खड़े रहना क्योंकि इसका हाथ नहीं जा रहा ना, वो ले लो। नहीं आपका तो जा रहा है, आप तो बिग हो, वो तो स्मॉल है। हमारे इस पे खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ अब, ठीक है? अब ठीक है भैया।
सो गाइस हम लोग खा पी के फ्री हो चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। सो आप लोगों ने किसी ने कभी आना हो तो आप भी आके अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम बॉल पूल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन है, जंपिंग वाला, वहाँ पे स्लाइड्स हैं और उसके पीछे जो है स्टेयर्स वाला है। बहुत सारे यू नो यूनिक यूनिक एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बॉल पूल है और यहाँ हमारा हीरो जंप कर रहा है। सो इसके अंदर जैसे जाते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और इसके ऊपर भी बच्चे खेल रहे हैं। लेट्स सी अयान का है। चलो 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 चलो, यहाँ पर है बच्चे। सो यहाँ पर ऐसे जो है कुछ सारे एक्टिविटीज़ के लिए बने हुए कंस्ट्रक्शन। अभी बच्चे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे यहाँ पे जो देखो बिल्डर वाले जो ड्रेसेस हैं हर चीज़ है अपनी फॉर्म में डाल के सब कुछ कर सकते हैं वेयर। अयान आपके फ्रेंड्स बन गए हैं? अच्छा ये है वो और उसका है ब्लॉगर। आप ब्लॉग बनाते हो? अरे वाह क्या बात है, हाई फाई तो दे दो। मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ यार, मेरा भी देखना ठीक है। मैं दिव्यांशी की बुआ हूँ ठीक है। हाँ दिव्यांशी, ये दिव्यांशी का भाई है ना, मेरा बेटा ही तो है ये। हाँ सच्ची में हाँ कुछ बाबू, ये फार्म हाउस है बुद्धू, इसको बाहर नहीं लेके जाना यार। ये फार्म हाउस वाला सामान आप यहीं खेल सकते हो। आओ जाओ डॉक्टर डॉक्टर खेलो यहाँ पे। नहीं वो खाना खा रही, खाना खा रही है वो भी। आ रहा दिव्यांशी, इधर दिव्यांशी, इधर ये बताओ, इसको बताओ ये कौन हूँ मैं। अरे मैं कौन हूँ, कह रही है आपकी सच्ची बुआ है, वो ऐसे पूछ रहा उसको बता दो। मैं तेरा भाई हूँ ना, क्यों मैं लग नहीं रही बुआ इसको। ब्रदर है के, वो मुझे कह रहे मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ। अच्छा मैं भी बनाती हूँ। मैं ना दिव्यांशी की बुआ हूँ। है क्या तो बुआ हो दिव्यांशी की? मैं दादी हूँ। मैं ये दादी है ना दिव्यांशी की। हाँ हाँ दादी है। अरे वाह गुड बच्चा, जाओ बयान जाओ। वो बुला रही थी मम्मी तेरे को। दिव्यांशी और बेबीज आ गए। ओए 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 वो खुद ही मिल रही है सबसे। अयान पूरा यूटिलाइज कर रहा है हर चीज को। मायरा की मम्मा का मैसेज आया है, मायरा नहीं आ पाई। जो खेल खेल आओ बनवाओ, आओ बैठो, आपके लिए छोटे छोटे चेयर्स रखे। टैटू बनवाओगे? बनवा लो एक सिंपल है तो उतर जाएगा। अच्छा नेम लिखना है। सो ये सब एक्टिविटी इसके बीच में सब कुछ इंक्लूड था जो कि था इसमें ये स्लाइड शो। जैसे आप देख सकते हो इन्होंने फोटोग्राफ्स दी हुई थी स्लाइड शो में, सबकी अलग अलग फोटोग्राफ्स आ रही थी अपनी फैमिली की। एंड वहाँ पे की चेन्स अपने अपने नाम के बनवा सकते थे सब बच्चे एंड फैमिली, और साथ ही में वो टैटू मेकिंग था। तो ये सब सुंदर सुंदर एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर। बाय।
सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कोशिश करी आपको पूरा एक्टिविटी रूम दिखाने की। और आप लोग को अगर अपना यू नो बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कोई भी पार्टीज करनी है, तो आप आके यहाँ पे कर सकते हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट लगा, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, इनकी फैसिलिटी, इनका सर्विस, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एक पांडा का कैरेक्टर आया था, तो ये भी सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया था। उसके बाद टाइम होता है अब केक कटिंग करने का, तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं केक कटिंग। सो अब केक कटिंग के बाद सब लोगों ने सब दिव्यांशी के साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाई। उसके बाद टाइम होता है डिनर का, तो यहाँ पे डिनर जो है सर्व हो चुका था। सो सब कुछ ऑनेस्टली स्पीकिंग टेस्ट में बहुत टेस्टी था। और प्लीज़ एक बार अगर आप बर्थडे पार्टी नहीं तो उसके बिना भी यू नो आप जा सकते हो वैसे अपने बच्चे को ले कर यू नो इन्जॉय करने के लिए। तो उसके लिए भी अगर आप बच्चे को लेके जाते हो 600 रुपीज़ पर आवर है, तो वैसे भी आप जाके और बाकी जो स्नैक्स है वो अपना इन्जॉय कर सकते हो। वो जो है जो स्नैक्स होगा, जो भी फूड आइटम अगर आप लेते हो साथ में, तो वो एडिशनल एड ऑन हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग इकट्ठे फैमिली बैठ के अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। पहले सबको अटेंड करने में टाइम लगता है, तो बस सब लोग यू नो बहुत अच्छे से खुश होके गए। सबका रिव्यू बहुत अच्छा था, तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो कुछ भी आपने इतना प्लान करा और इतने अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। Okay.
सो गाइज हम लोग बर्थडे पार्टी इंजॉय करके मम्मा हाउस आ गए थे वापस, और मम्मा के ऊपर जो फ्लोर पे आंटी रहते हैं उन्होंने गणेश जी स्थापित किए थे, तो उन्होंने कहा था जरूर एक बार आना दर्शन करने, ब्लेसिंग्स लेने। सो हम लोग वहां पर आए ऊपर। तू तो डर नीचे जंप करेगा ही है, करेगा जंप नहीं आएगा। करो, दो मिनट में करती हूँ। अच्छा नहीं खड़े रहना, आपकी पिक क्लिक करेंगे। यहाँ आगे से तो खुश हो गई है। देखो मैं एक मिनट रुको, मैं ऐसे बनाती हूँ। अब करो आपने डेकोरेशन भी खुद करी आंटी? आंटी ये सारा हमने ना प्रॉपर ये पूरा लेकर आए हैं, सारा इनकी पगड़ी का सामान, ये तिलक भी हम ही ने सारा डेकोरेट किया। अच्छा जी, ये देखो इनकी माला, देखो ये कितनी सुंदर इनकी माला, ये पूरा बनाया है। उसके बाद ये स्टड सारे इनके हाथों पर, ये इनका ब्रेसलेट, और ये हमारे मूषक जी देखो उनका, ये देखो हमारी कलम बनाई है, कलगी कलगी, और ये इनके हाथों पे, ये अलता भी लगाया हमने इनके पैरों पे। अच्छा ये भी आपने करा है? हाँ जी हाँ जी, ये कितना ध्यान बड़ा से आपने एक एक चीज करके दिल से करा है। बहुत मजा आता है। हाँ। तो ये सारा इनका बहुत प्यारा, मतलब हमें बहुत मजा आता है इसको डेकोरेशन करने में। नहीं पर देखिए आपने बहुत दिल से करा हुआ, एक एक चीज को पकड़ के करने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। रात को 2 बज गए, हमें पता भी नहीं चला इनको, क्योंकि आप दिल से और श्रद्धा से कर रहे थे ना इतने, तो बिल्कुल पता ही नहीं लगा। स्वीकार करे बिल्कुल। देखो हमारा आना भी लिखा था यहाँ पे मथा टेकने, और कहाँ से अपने आप आ गए हम लोग बिल्कुल। बिल्कुल और क्या, दिव्यांशी को स्पेशल बर्थडे ब्लेसिंग मिली है ना, मैं नहीं 2 मिनट पहले ऊपर। सो गाइज ये था एक छोटा सा बर्थडे व्लॉग दिव्यांशी का। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इस व्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट जो है प्लीज़ बना के रखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।